अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक का दूसरा दिन। तो जी ईद का सेकंड डे और सुबह सुबह हलवा पूरी। अब ना मुझे चने नहीं डाल के देने, हलवा डाल दो बस, बहुत है। और जी सेकंड डे हमारा स्टार्ट हो गया हुआ है, पूड़ियाँ निकल रही हैं गर्मा गर्म। ये भाई साहब है जिन्होंने सारा नाश्ता नुश्ता कराया, हमें ठुसवाया, लेकिन खुद इन्होंने सैंडविच बनवा के खाना। सैंडविच पसंद है जी इनको। बस जी दिन स्टार्ट हो गया हुआ है और दिन का आगाज तो आप लोगों ने देख ही लिया आगे जाके। अभी तो बस अब घर जा रहे हैं, नमाज पढ़ ली है, तो फिर उसके बाद जो ईद का दूसरा दिन होता है, जो हमारा कौमी दिन है ईद का दूसरा दिन, वो होता है ससुराल का। तो जी आई एम गोइंग टू माई इन लॉज टूडे, शादबाग जाएंगे इंशाल्लाह। जी सेकंड डे उस्मान भाई भी जा रहे हैं अपने ससुराल और मैं भी जा रहा हूँ अपने ससुराल। और ये भाई गाड़ी वाले देख ले यार, बहुत खतरनाक किस्म की यहाँ पर बैटिंग और बॉलिंग हो रही है के फील्डर्स को हेलमेट पहनने पड़े हैं, बड़ी जोर जोर की शॉट्स आ रही हैं। चलो मूसा बॉल कराने लगा हूं। ए ओए पकड़ के भाई, हेलमेट के वजह से नीचे ना गिर दे। हम जा रहे हैं अब शादबाग, आमना रेडी है। आमना के पता नहीं कोई फैमिली मेंबर्स रहते हैं इधर हमारे घर के पास ही, तो वहां से इसने कुछ पिक करना था आई गेस, कोई उन्होंने इसकी अम्मी के लिए कोई गोश्त वगैरह के कोई रान वगैरह रखी हुई थी, मुझे आइडिया नहीं है जी, मिस्टेक हो सकती है जी। तो अब हम जा रहे हैं बस। हेलो आमना। हेलो गाइस। अच्छा ये हम जा रहे हैं अब यहाँ से, माशाल्लाह बहुत अच्छा घर है, प्यारा घर है। ये बड़ा हेल्दी सा एक बैल भी रखा हुआ है, टोटू ना मार दी बैल, टोटू ना मार दी। तो जी अब हम जा रहे हैं शादबाग ऑन आवर वे। और चाचे कितने बड़ी जा रहे हैं वे। तो जी इंशाल्लाह फिर अब व्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे जब हम पहुंच जाएंगे शादबाग। मुझे ये बताओ आंटी ने क्या बनाया हुआ है? अल्लाह की कसम जो मैंने पूछा मुझे पता ही नहीं है। बड़ी भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है। मम्मी कहती हैं कि अली को घर की चीजें अच्छी तो लगती नहीं है, वो रेस्टोरेंट स्टाइल बंदा है, उसके लिए कुछ भी बना लो तो कोई बड़ी बात तो उसको लगती नहीं है। झूठ। अबे हट जा। अस्सलामुअलैकुम मिस अमीरा, ईद मुबारक। ये फार्मेसी वाली दुकान से ले रहे हैं आइस क्रीम। मेरे दो अनमोल रतन, एक है नाम तो एक लखन। गाइस सास की तरफ से हम हो गए हैं फ्री, तो रैंडमली आज अचानक हमारे दोस्त, बड़े अच्छे अजीज दोस्त हैं मेरे साथ, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते रहे हैं, कासिम शाह। शाह जी का फोन आ गया कि जी कितने हो, मैं थोड़ा इंतजार कर पिया। तो फिर हमने अचानक प्रोग्राम बना लिया, एम एम आन एम के ऊपर हम जा रहे हैं इस वक्त। तो वाजिद का भी इंतजार कर रहे हैं, वाजिद साहब टाइम से पहुंच जाया करो यार, तुम फिल्में चला देते हैं टाइम पे। तो जी हम बस ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं सेकंड कप के ऊपर, हमें उन्होंने कहा कि जाके आप स्टे करें, हम आ रहे हैं वहाँ पर। तो जी सी यू एट सेकंड कप। हम वेन्यू पे पहुंच चुके हैं और अब वेट हो रहा है कासिम और वाजिद का, कैमरा बहुत गलीज हुआ है। हेलो आमना, हाय। मुझे पता लग रहा है तुम बहुत स्लीपी हो इस वक्त। तो जी कासिम का वेट हो रहा है और वाजिद का, वाजिद भी लेट है और कासिम भी लेट है। हाँ क्या करें, उस मीन टाइम हम देखते हैं कुछ एक्सप्लोर करते हैं। आ जाओ भाई तुम जी, ईद मुबारक। जी आप ना, तुम्हारे जो कॉलेज के दोस्त हैं और मेरे भी जो क्लास फेलोज हैं वो अभी तक आए नहीं हैं, क्या तासुरात है? नींद आ रही है। फाउंडेशन ना लगा दी मेरी शर्ट पे। फाउंडेशन नहीं लगाई हुई इस टाइम। नहीं लगा। नेचुरल ब्यूटी है जी, मियां बीवी दोनों नेचुरल ब्यूटी हैं। बहुत ही नेचुरल है। अच्छा चलो अब ज्यादा ही हम सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए हैं। नहीं आई एम हैप्पी कि आई विल मीट देम। हां वैसे मैं भी एक्साइटेड हूं। आफ्टर ऑलमोस्ट 4 मंथ्स।
शायद नहीं ज्यादा हो गया। भालू के भाई की शादी, अरसलान के भाई की शादी कब थी? मई में थी शायद, 4 months back, अब ना मई में अप्रैल में अभी याद नहीं आ रहा। वैसे मैं कल बहुत एक्साइटेड हूँ एक चीज के लिए। क्या? फूफू के घर जाने के लिए। ओहो पुशीनी, बीच में वीडियो के ओहो कर दिया था क्योंकि मुझे कासिम की कॉल आ गई थी, इसी वजह से बीच में मैंने ओहो कह दिया। तो क्या कह रही थी तुम आमना? मैं कहती हूं आई एम एक्साइटेड टू मीट पुशीनी। इंशाल्लाह जी, मेरी बेस्ट पुप्पो है, मैं बचपन से उनका लेकिन फैन हूं। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैं अगर सुबह बहुत जल्दी जाऊंगी तो मैं आई विल गेट टायर्ड और मैं प्रिपेयर ये कैसे जाऊंगी? गाड़ी पे बैठ के जाना, टाइम की मिसमैनेजमेंट ना हो जाए। नहीं होती, मैनेज कर लेंगे कुछ ना कुछ। वी विल डू समथिंग, विल फिगर आउट समथिंग। करेक्शन, और नाजरीन बिल आखिर हमारा होस्ट आ गया आज का, शाह जी आए हैं। शाह जी ईद मुबारक। शाह जी बाबा जी अच्छे बात चल। नाजरीन आपको हम दिखाते हैं, अगर बगैरती और बेशर्मी का कोई मुंह होता, ये वो भाई है भाई हमारा, इसने हमें जलील करा छोड़ा है। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक वाजिद भाई। मुबारक वाजिद भाई। वाजिद भैया आपको वैसे थोड़ी बहुत शर्म नहीं है? शाह जी शाह जी को मिलो, शाह जी को मिलो। हेलो शाह जी, मैं भी कासिम हम उसको मिस कर रहे हैं, नजफ को और अरसलान को। भाई यार आप इतने खूबसूरत और बेशर्म दोनों साथ साथ ही हो यार, वैसे अच्छी बात। मैं अल्लाह का शुक्र अलहमद अब बहुत बेहतर हूँ। तकल्लुफ ही किया है यार। कितना बना तूने टॉप किया, स्कोर किया? थैंक यू कासिम, शुक्रिया वाजिद भाई। इस बैटरी बंद होने से पहले वाजिद भाई कुछ आपको बीवियों की फादियत और उनके एहतराम के बारे में बताएंगे। वाजिद बीवियों के बारे में कुछ कहो। बीवियां क्या? बीवियां ठंडियां छावा, ठीक है जी। और वो कहते हैं ना कि बीवी को सताया उसने रिक्शा चलाया, जिसने बीवी को सताया उसने रिक्शा चलाया। कासिम तुम क्या कहना चाहोगे बीवियों के बारे में? बीज लगाओ तो जी मेरी बैटरी इज़ ऑलमोस्ट डेड। तो जी आज का वीलॉग इसी एंड पे हम ख़त्म करते हैं कि जी ईद मेरी दुगनी हो गई जब मेरे ये पुराने दो दुगने दोस्त मिल गए। तो लिए अल्लाह हाफिज़, फिर किसी वीलॉग में मुलाकात होगी।